गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. हम लोग सीआईडी से हैं. सीआईडी से? आप जरा ये स्केचेस देखिए, क्या बता सकते हैं कि आप इनमें से किसी को पहचानते हैं? ये वाला चेहरा कुछ पहचाना हुआ लग रहा है. ये मिस्टर सुमेश हैं, हमारे यहाँ ठहरे हुए थे. ठहरे थे? अभी नहीं? जी नहीं, वो तो आज सुबह ही निकल गए, चेकआउट कर गए. अच्छा, जब वो यहाँ से निकले तो उनके पास काफी सामान था? सामान? सामान जैसे तो दो तीन बैग्स थे उनके पास, जैसे हर एक के पास उतने पैसे ही. हाँ, मगर उनके पास बहुत सारे बैग थे, प्लास्टिक बैग्स. प्लास्टिक बैग्स? अच्छा, बाई चांस आपको या आपके किसी स्टाफ मेंबर को याद होगा कि उनसे मिलने यहाँ कौन कौन आया था? ये तो मुझे याद नहीं कि कौन कौन यहाँ आया था. हाँ, इतना जरूर मालूम है कि एक पूरा ट्रक यहाँ पर आ गया था उनके लिए सामान लेके. कहाँ पे? सर वहाँ आगे. सर आइए सर, यही है वो कमरा. सर अब एक बात तो पक्की हो गई है, जो आदमी बॉम्ब ब्लास्ट से पहले टैक्सी में बैठा था वो इस होटल में तो ठहरा था. आशा, एक काम करो, कमरे को ठीक तरह से चेक करो. जी साहब, ट्रक यहीं पर खड़ा हुआ था. यहाँ पे रात भर खड़ा हुआ था? हाँ साहब, रात भर खड़ा था. और ड्राइवर कहाँ पे था? ड्राइवर भी यहीं पर था साहब. यहीं पे? अच्छा, उसके साथ कोई और आदमी भी था कि वो अकेला था? साहब जब ट्रक आया था तो उसके साथ में एक आदमी और था, पर बाद में वो चला गया. फ्रेडरिक्स, कार्पेट और सोफा ध्यान से चेक करो, और वो सेंटर टेबल भी जिसमें कांच लगा हुआ है. मैं इस कमरे में देखती हूँ. यही आदमी है ना जो यहाँ ठहरा हुआ था? हाँ साहब, यही आदमी था. जब ये सुबह यहाँ से निकले तो ये ट्रक में बैठ के ड्राइवर के साथ गए थे? नहीं साहब, ये तो साहब टैक्सी से गए थे. अच्छा, जब ट्रक रात भर यहाँ पे खड़ा हुआ था तो उसमें से किसी ने सामान निकाला था? साहब इधर से एक दूसरा रास्ता है जहाँ से होटल का सामान आता है. यहाँ से? हाँ साहब, यहाँ से. रात को साहब यहाँ से जय किशन आया था 5-6 बार. जय किशन? अब ये जय किशन कहाँ से आ गया बीच में? ये साहब होटल का वेटर है, रात को ये कमरों में खाना वगैरह पहुँचाता है. अच्छा, तो क्यों आया था? क्यों आया था ये जय किशन यहाँ पे 5-6 बार? ट्रक में से सामान निकाल के ले गया था शायद 5-6 बार. कहाँ ले गया था? कमरे में साहब, शामेश के कमरे में. आशा? हाँ फ्रेडरिक्स. ये देखो यहाँ पे, इसका मतलब है इस कमरे में कोकेन लाई गई. यहाँ पे भी है. देखिए, कुछ मिला है कमरे में. आशा कहाँ पे है? सर एक यहाँ पे, और सर दूसरा ये देखिए, ये देखिए सर. देखा हो गया ना कंफर्म? इस रूम में गर्द का व्यापार हुआ है और आपका एक आदमी भी मिला हुआ है इसमें. हमारा आदमी? जी हाँ. ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर जय किशन. हाँ जय किशन, क्या हुआ था रात को यहाँ पे? रात को यहाँ पे? हाँ, इस कमरे में क्या हुआ था? इस कमरे में यहाँ तो सब ठीक था. हैं? नहीं साहब, सब लोग आराम से सो रहे थे. देखो जय किशन, वक्त बहुत कम है. हमारे एक ऑफिसर की तबीयत बहुत खराब है, और भी न जाने कितने लोग मारे जाएंगे. नहीं साहब, मुझे कुछ पता नहीं. जय किशन सच सच बता दो. जय किशन, और क्या बताऊं साहब? अब बता क्या हुआ था. उसने मुझे 2000 रुपए दिए और कहा चुपके चुपके थोड़े थोड़े करके सारे खिलौने ऊपर लेते हैं. और फिर सुबह मैंने जाके वो सारे बॉक्स से नीचे ट्रक में रख दिए. यहाँ कमरे में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता साहब. ट्रक का नंबर याद है? जी. क्या है? ZA 011 K 5171. सर और भी कुछ मिला यहाँ, ये देखिए क्या छुपा के रखा है. ये देखिए सर, प्लास्टिक बैग्स. ये आदमी कर क्या रहा है? गर्द टेडी बेयर में भर रहा है कि इस बैग्स में? ACP साहब, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट. मुझे लगता है दया इसमें से निकल जाएगा. इतना लंबा चौड़ा आदमी है, इसी से बच गया. इसकी जगह कोई और होता
तो अब तक ऊपर पहुंच गया होता। कहीं इसने गलती से कुकिंग चक्की तो नहीं देखी? हाँ, जब इसे लाए थे तो इसकी जीप मैंने देखी थी, कुछ लगा हुआ था इसके टंकी ऊपर और इसके हाथ की उंगलियों पर भी एक पाउडर सा लगा हुआ था। शायद इसे तब शक भी नहीं होगा कि टॉय में कोकेन हो सकती है। हाँ अभिजीत, ट्रक का नंबर मिल गया। गुड, वेरी गुड। ट्रक भी पकड़ा गया, कहां पे? हाईवे नाके पे। हाँ पैट्रिक्स। सर ये वही ट्रक है, हाईवे पुलिस ने इसे पकड़ा है। वो लोग तलाशी लेना चाह रहे थे लेकिन मैंने बोला पहले अभिजीत सर को आने दो। कहाँ पे हैं वो लोग? वहाँ पर है सर। ड्राइवर किधर है? इधर आओ। हाँ साहब। इधर आओ तुम। हाँ साहब, बोलिए। बोलो इसे। चलो। हाँ साहब, खोलता हूँ साहब। होटल से माल लाया ना तू? हाँ साहब। सारी रात वहीं पे खड़ा हुआ था ना? हाँ साहब। क्या इसमें? साहब हमको कुछ मालूम नहीं है साहब। पता नहीं है? खोलो इसे। साहब मालूम नहीं है साहब हमको। खुल गया सर। साहब हमें कुछ पता नहीं है साहब, हमें छोड़ दो। खड़े रहो यहाँ पे। माय गॉड। संभाल ना सर। साहब हमको छोड़ दो साहब। चुपचाप खड़े रहो। माय गॉड, देखा क्या है इसमें? टेडी बेयर्स। उस टैक्सी वाले ब्लास्ट में भी टेडी बेयर्स थे और यहां भी टेडी बेयर्स। हाँ तो ड्राइवर साहब बताओ, बॉक्सेस लेके तुम कहां भागे जा रहे थे? मैं कहाँ भागा जा रहा था साहब, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि शहर के बाहर जाके नाके पे खड़ा रहना, वहाँ कोई आके हमको बताएगा कि हमें कहाँ जाना है। चुपचाप बताता है कि नहीं, कहाँ जा रहा था है? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम रात भर ट्रक लेके होटल के बाहर खड़े थे? जी जी। तुम्हें मालूम था ट्रक में से ये बॉक्सेस निकाल के होटल के कमरे में ले जाए गए? जी साहब। और फिर थोड़ी देर बाद ये बॉक्सेस वापस ट्रक में लाके रखे गए? जी। तुम्हें मालूम है इन डिब्बों में क्या है? खिलौने हैं साहब। तुम्हें मालूम है इन खिलौनों के अंदर क्या भरा हुआ है? जी, कपड़े या रुई भरी होगी। हम कपड़े और कॉटन की बात नहीं कर रहे हैं, कोकेन की बात कर रहे हैं, कोकेन की, समझे? अभी पता चल जाएगा। आशा सर, कुछ मिला है टेडी बेयर्स में? नहीं सर, सारे के सारे बॉक्सेस खोल के देख लिए, इनमें सिवाय रुई के और कुछ भरा हुआ नहीं है। रात भर कमरे में टेडी बेयर्स मंगाता रहा, वापस ट्रक में रखता रहा, क्यों? कर क्या रहा था वो? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर हमें बेवकूफ बनाने के लिए ड्रामा किया कि हम तो भाग लेंगे इस ट्रक के पीछे और वो असली माल कहीं और पहुंचा देगा? होटल के कमरे में कुछ व्हाइट पाउडर मिला था ना? हाँ सर, कारपेट पे पड़ा था थोड़ा सा। मतलब उसने वो पाउडर कहीं तो पहुंचाया है, मगर कैसे, कैसे पहुंचाया? सारे टेडी बेयर्स तो यहीं पड़े। होटल में से कुछ प्लास्टिक के बैग्स भी मिले हैं ना? यस सर। अच्छा सर, जरा वो प्लास्टिक बैग्स लेकर आओ। यस सर। फ्रेडरिक्स सर, इस ड्राइवर को जरा अंदर बिठाओ। जाइए। मैंने क्या किया? चलिए। अरे साहब, किस लिए साहब? चलिए चलिए। अरे साहब चलिए। सर 10-12 दुकानों की बैग्स हैं, काफी सामान खरीदा होगा उसने। काम करो, ये स्केच लेके इन सारे दुकानों में जाओ जिन जिन के ये बैग्स हैं, वहां ये स्केच दिखाओ और पूछताछ करो, कुछ तो पता चलेगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सारी दुकानें छान मारी मगर अभी तक उस आदमी का पता नहीं चला है। ये एक नाम बचा हुआ है, गुड बियर। इस नाम का बैग दिखाई नहीं पड़ा, इनमें नहीं है? नहीं सर, इनमें तो मैंने देखा, इनमें नहीं है सर। तो फिर कहाँ गया? लिस्ट में तो नाम है। हाँ सर, सॉरी, यहाँ है, नीचे गिरा हुआ था, ये रहा सर। गुड बियर, चलो। एक्सक्यूज मी, हम लोग CID से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। उनसे पूछताछ कीजिए। किनसे? वो जो है ना, उनसे। जी हाँ। देखिए, हम लोग CID से हैं, आपसे कुछ पूछना है। कहिए। ये बैग आपकी दुकान का ही है ना? जी
है तो हमारे ही दुकान का, क्यों इसमें कुछ मिला है क्या आपको? कुछ नहीं मिला, इसीलिए आए आपके पास। जरा ये स्केच देखिए, पहचानते हैं इस आदमी को? हाँ, ये आया था यहाँ पे। गुड, कब कब आया था? कुछ दिन पहले। नाम क्या है इस आदमी का, ये आया क्यों था यहाँ पे? शायद अपने बेटे का स्कूल ड्रेस बनवाने आया था और नाम भी अपने बेटे का लिखवाया था। बेटा बहुत खुश हो गया था नाम सुन के। ये देखिए रमेश, मगर इस पे कुछ पता तो लिखा हुआ नहीं? कोई पता बताता है तो लिख लेते हैं, वरना छोड़ देते हैं। ये ड्रेस कौन से स्कूल की है? राजहंस स्कूल। राजहंस। एसीपी साहब, वो समेश के बेटे को किडनैप कर लिया है स्कूल से। हाँ सर। हाँ सर, हम लोग उसकी स्कूल की ड्रेस जिस दुकान में बनी थी वहां तक पहुंच गए थे और वहां से स्कूल पहुंचे थे, मगर हाँ सर। ये सर, ओके ओके सर, ओके। सारी की सारी पुलिस उस ट्रक के पीछे लगी होगी और हम पूरा का पूरा माल उनकी नाक के नीचे से निकाल के ले आए। चंदन, एक काम करो, सारे के सारे पैकेट प्लास्टिक बैग में भरो, और हाँ, कुछ पैकेट्स में लड़कियों के कपड़े रख देना और कुछ में आदमियों के। हाँ सर, किसी को शक भी नहीं होगा कि बैग में गर्द का पाउडर है। और उधर उधर पुलिस वाले सारे के सारे टेडी बियर्स अपने घर ले जाएंगे, कुछ ऑफिस में भी रखेंगे और दिन रात उससे खेलते रहेंगे। हो गया साहब। तो फिर इंतजार किस बात का चंदन, फटाफट सारा सामान पैक करो, काम खत्म होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा शहर के बाहर और कुछ दिनों तो गायब रहूंगा। उसके बाद जैसे और माल आएगा मैं तुझे फोन कर दूंगा, ठीक है? ये ले, फोन का नाम लिया और फोन आ गया। हेलो, देखो देखो मेरे बेटे को कुछ मत करना, करूंगा करूंगा। हाँ? सारा हाँ? नहीं, लेके आऊंगा। कहाँ आना मुझे बताओ, मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन लेकिन प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। क्या हुआ बॉस? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, किसी ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है, बदले में सारी की सारी गर्द मांग रहा है। ये सब दे देंगे तो हम लूट जाएंगे बॉस। अबे चुप चुप चुप, मेरे बच्चे की जान ज्यादा कीमती है या तुम लोगों की? ये सारा का सारा माल इस बैग में डालो, मुझे एक घंटे के अंदर अंदर फैक्ट्री पहुंचना है, जल्दी करो। अब तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। जाओ जाओ जाओ, बाहर का दरवाजा बंद करके जाओ। हेलो, हाँ, अकेला ही है। हाँ, ला तो रहा हूं, जो जो भी कहे लेके आ रहा हूं, बच्चे का मामला नहीं होता, मैं देख लेता एक एक को। नहीं नहीं, देखो देखो, मैं आ रहा हूं, मैं सब लेके आ रहा हूं। कहाँ जा रहे हो सुमेश? तुम? हाँ मैं। तुम तो? नहीं, मैं मरा नहीं, मैं तो उस टैक्सी में था ही नहीं जो टैक्सी चली। पहले जब तुम टैक्सी से उतर गए तो अचानक मेरा ध्यान उस बैग पे गया जो तुम छोड़ के गए थे। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है, मैं टैक्सी वाले को पैसे देकर वहीं उतर गया, बेचारा टैक्सी वाला मारा गया। देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, किसी ने हम दोनों को मारने का प्लान बनाया था। किसी ने नहीं, तुमने। पर अब ज्यादा दिमाग खराब मत कर मेरा, बैग वहीं फेंक दे, बैग से बैग। देखो 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 लंडर, किसी ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया, अगर मैंने उनको ये घर नहीं दी तो तू मेरे बच्चे को मार देंगे। और यहां से बैग लेके निकला तो तू मारा जाएगा, बैग फेंक दे। प्लीज मेरा बच्चा, बैग बैग, प्लीज मेरा बच्चा, बैग फेंक। बम से तो तू बच गया था, अब हमारा। रमेश, बच्चों, 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 रमेश, रमेश, रमेश,
रमेश! 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 बच्चों! बच्चों! बच्चों कहाँ हो? बच्चों! बच्चों! रमेश! रमेश! दुनिया का कोई भी बाप अपने बच्चे की लाश देख नहीं सकता है ना, तो उन हजारों माँ बाप का क्या होता होगा जिनके बच्चे ड्रग्स लेने की वजह से मर रहे हैं? हाँ? बच्चा का है। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ तुम्हें यहां तक लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो, मैं देखना चाहता हूं ठीक है कि नहीं। मुझे तुम लोगों का विश्वास नहीं, न जाने इन गोलियों की आवाज से मेरा मन पतन कैसा हो गया। मुझे ले चलो मेरे बच्चे के पास। हम तुम्हारे बच्चे को तुमसे मिला सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? पहले उस एक एक आदमी का नाम बताओ जो तुम्हारे साथ इस धंधे में मिले हुए हैं, और दूसरे वो सब जगह दिखाओ जहां से तुम ये सब करते हो। मैं सब बता दो, लेकिन मुझे मेरा बच्चा दिखा दो। शूट शूट शूट, लेफ्ट लो, लेफ्ट दबाओ, शूट लेफ्ट लेफ्ट। क्या क्या कर रहे हो तुम? ये लेफ्ट दबाना चाहिए ऐसे। आदे, सब ठीक है? क्या दया, अब उठ जाना यार, बहुत हो गया। और कान को हाथ लगा, आगे से कभी कोकेन नहीं लूंगा। कभी नहीं बाबा, कभी नहीं। अब कहाँ थे बाबा? कहीं नहीं बेटा, मैं इन लोगों के साथ में था। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, मुझे इनसे जरूरी बात करनी थी ना। सर, बच्चे के सामने अरेस्ट मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट किया। ठीक है रमेश, बेटा अब तुम घर जाओ। और आप? मुझे थोड़ी देर और इनसे काम है, फिर मैं आ जाऊंगा घर। ठीक है सुधाकर, बच्चे को घर लेके जाओ प्यार से। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.